फ्रैंकलिन, आज आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर से सारे के सारे ज़ोंबी वायरस को आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। बात कर रहा हूँ बीच में किधर आ गए। एक तो आएगा जी ज़ोंबी डॉगीज मुझे बात भी नहीं करने देते हैं। तो आएगा मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर से सारे के सारे ज़ोंबी वायरस को खत्म करने वाले हैं। और ये जो आप लोग स्पेसशिप देख रहे हो ना, ये वाला माइकल का घर है। मगर पहले मैं एक सेकंड इसको मार दूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आएगा आप लोग जो ये वाला स्पेसशिप देख रहे हो, ये ठीक माइकल के घर के ऊपर है। माइकल ने तो अपने आप को ज़ोंबी वायरस से सेफ कर लिया है, मगर आएगा हम लोग ज़ोंबी वायरस से अभी तक सेफ नहीं है। क्योंकि गाइस आप लोग देख रहे हो कि हम लोग के घर के अंदर भी ज़ोंबीज आ सकते हैं। लेकिन आज ज़ोंबी सीरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग सारे के सारे ज़ोंबी वायरस को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। और आज या तो मैं बचूंगा या फिर ज़ोंबी वायरस बचेगा, क्योंकि गाइस अभी बहुत हो चुका है। इन ज़ोंबीज ने लॉस सैंटोस के काफी ज्यादा मासूम लोगों को मार दिया है, मगर गाइस अभी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप लोग देख रहे हो ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है, साथ में इन लोग के पास वेपन भी होता है। और यहाँ पे इसका डॉगी भी आ गया, मगर गाइस मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो मेरे पास कितनी ज्यादा ओपी गन है। चॉप ये बता के सिंचन कहाँ पर है? अरे भाई सिंचन तो माइकल के पास चला गया होगा यार। नहीं नहीं यार चॉप, सिंचन को तो मैं लास्ट एपिसोड के अंदर यहाँ पर लेकर आ गया था। हम दे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिंचन ज़ोंबी बन चुका है यार। नहीं नहीं यार चॉप, ऐसे नहीं हो सकता, सिंचन यहीं कहीं पर होगा। हम लोग फटाफट से पहले सिंचन को ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मिशन के अंदर जाएंगे। और चॉप तू भी रेडी हो जा, आज मेरे साथ तू और सिंचन दोनों चलोगे। अरे वो चलेंगे, हम सारे के सारे ज़ोंबी वायरस को आज हमेशा के लिए खत्म करेंगे यार। मुझे लगता है कि सिंचन हम लोग के घर के अंदर होगा, मगर नहीं आएगा। सिंचन यहाँ पर भी नहीं है। सिंचन तो कहाँ पर है, तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे यार मैं तो छत पर हूँ। छत पर क्या कर रहा है सिंचन? अरे यार हाँ मैं फटाफट से ऊपर आ जाओ। चॉप तू यहीं पे रुक, मैं एक सेकंड में वापस आ रहा हूँ। सिंचन बोला कि वो हम लोग की घर की छत के ऊपर है, तो जल्दी से मुझे अपने घर की छत के ऊपर जाना होगा। और आप लोग देख रहे हो गया गाइस, साथ में यहाँ पे मैजिशियन भी आ चुका है। अरे यार हमने मैंने यहाँ पे खड़े होकर ढेर सारे ज़ोंबीज को देखा, और यार हमें ज़ोंबीज अभी पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। खतरनाक होने दे सिंचन, ज़ोंबीज को खतरनाक होने दे, मैं भी आज बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। अरे यार हमने मगर आपने ऐसा क्या किया? सिंचन ज़ोंबी सीरीज का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि गाइस हम लोग मिलिट्री के पास भी गए, मगर एंटीडोट मिलिट्री भी नहीं बना पाई। फिर हम लोग अपने मैजिशियन के पास आए, मगर गाइस इस वाले मैजिशियन ने भी एंटीडोट नहीं बनाया। लेकिन हम लोग को ये पता चल गया कि गाइस लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस को फैलाया किसने। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस ज़ोंबी सुपरमैन ने फैलाया। आज हम लोग को ज़ोंबी सुपरमैन को भी मारना होगा। मैजिशियन तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? हाँ मेटी, ज़ोंबी वायरस को खत्म करने के लिए हम लोग को ज़ोंबी सुपरमैन को मारना होगा। मैजिशियन तुम एक काम करोगे, किसी तरीके से यहाँ पे ज़ोंबी सुपरमैन को लेकर आओ, मैं उसको मारने के लिए तैयार हूँ। हाँ मेटी, तुम कैसे मारोगे उसको? मैजिशियन वो मेरा काम है, तुम बस जल्दी से यहाँ पे ज़ोंबी सुपरमैन को बुलाओ, आज ज़ोंबी सुपरमैन का भी आखिरी दिन होने वाला है। और सिंचन तू मेरे साथ चल, हम लोगों ने अपने घर को भी सेव करना है। अरे यार हमने मगर हम लोग के पास तो पैसे है नहीं। पैसों की चिंता मत कर सिंचन, मेरे पास बहुत ज्यादा ओपी प्लान है, फटाफट से मेरे साथ आ जा। अरे यार हमने मगर हम लोग का घर तो सेफ है नहीं, सबसे पहले हम लोग को अपने घर को सेव करना होगा। सिंचन तू सही बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग को अपने घर को सेव करना होगा। अभी तो हम लोग के घर के ऊपर मैजिशियन खड़ा हुआ है, तो हम लोग का घर यहाँ पे सेफ है, मगर गाइस ये पूरी तरीके से सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ज़ोंबीज आ चुके हैं। मुझे फटाफट से कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। ये गाइस हम लोग को एक गाड़ी यहाँ पे मिल चुकी है, और मुझे लगता है कि ये वाला बंदा भी अपने घर को छोड़ के कहीं पे चला गया। अरे यार हाँ हम लोग आज अपने घर को अपग्रेड करेंगे। हाँ सिंचन ठीक उसी तरह अपग्रेड करेंगे जिस तरह माइकल ने अपने घर को अपग्रेड किया है। अभी फटाफट से हम लोग जाते हैं माइकल के पास, और हम लोग उससे जाके पूछते हैं कि उसने अपने घर को अपग्रेड किया किस तरह है। अभी हम लोग के पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, तो हम लोग अपने घर को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। और ज़ोंबी वायरस के एंटीडोट बनाने के लिए हम लोग को ज़ोंबी सुपरमैन को भी मारना है। और गाइस मैं आप लोग को बताता चलूं, ज़ोंबी सुपरमैन को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे भाई वो तो ठीक है, मगर हम लोग की गाड़ी फट जाएगी यार। नहीं नहीं चुप, गाड़ी नहीं फटेगी, हम लोग को जल्दी से माइकल के घर के पास जाना होगा। अरे वो तो ठीक है, मगर हम लोग अपने घर को अपग्रेड क्यों करेंगे यार? क्योंकि चुप हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन ज़ोंबी सुपरमैन है, जो कि किसी भी समय हम लोग के घर के अंदर आ सकता है। और आप लोग इस चाचा जी के काम देखो, ये एक ज़ोंबी है, हम लोग फटाफट से इसको भी मारते हैं। वो जो आप लोग ऊपर स्पेसशिप देख रहे हो ना, माइकल का घर वहीं पर है। पहले हम लोग चलते हैं माइकल के घर के अंदर, और हम लोग माइकल से पूछते हैं कि उसके पास थोड़े से पैसे हैं या फिर नहीं। अगर तो हम लोग को पैसे मिल गए ना, तो फिर तो हम लोग अपने घर को अपग्रेड कर देंगे। अरे यार हाँ मगर माइकल अंकल हम लोग को पैसे क्यों देंगे? क्योंकि यार सिंचन माइकल मेरा दोस्त है, और हम लोगों ने काफी ज्यादा खतरनाक काम साथ मिलकर किए हैं। तो अपनी गाड़ी को मैं फटाफट से पार्क करता हूँ यहाँ पर। आ जा सिंचन, अभी हम लोग को माइकल को ढूंढना है। अरे भाई माइकल की ये वाली गाड़ी मुझे बहुत ज्यादा ओपी लगती है यार। चॉप या ये वाली रोल्स रॉयस मेरी भी काफी ज्यादा फेवरेट है, हो सकता है कि आज हम लोग इस वाली गाड़ी को ड्राइव भी करें, मगर पहले हम लोग को माइकल को ढूंढना होगा। मिलिट्री तो यार गाइस आप लोग देख रहे हो कि माइकल ने यहाँ पे काफी ज्यादा खड़ी करके रखी हुई है, साथ में माइकल के पास स्पोर्ट्स बाइक भी बहुत ज्यादा ओपी है। मगर अभी हम लोग को स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए, अभी हम लोग का पहला मिशन ये है कि हम लोगों ने अपने घर को सेव करना है। और घर को सेव करने के लिए हम लोग को पैसे चाहिए। पैसे या तो हम लोग को माइकल देगा, या फिर हम लोग को पैसे चुराने होंगे। माइकल की कॉल भी आ गई, लगता है कि माइकल यहीं कहीं पर होगा। ये रहा गाइस माइकल यहाँ पे खड़ा हुआ है। फटाफट से चलता हूँ माइकल के पास, और आगे का प्लान हम लोग को माइकल बताएगा। बोलो आमेटी कैसे आना हुआ? माइकल तुम्हें तो पता है कि ज़ोंबी वायरस दिन ब दिन काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और मेरा घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने घर को अपग्रेड कर सकूं। अरे आमेटी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने वो सारे के सारे पैसे अपने घर के ऊपर लगा दिए। देखो आमेटी यहाँ पे कितनी ज्यादा आर्मी खड़ी की है मैंने। हाँ माइकल तुम्हारी आर्मी मुझे काफी ज्यादा ओपी लग रही है, मगर मुझे अपने घर को इस तरह अपग्रेड करने में कितने पैसे लगेंगे? हाँ आमेटी अगर तुम अपने घर को इस तरह अपग्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए होंगे।
मगर 100 करोड़ रुपए मैं लाऊंगा कहाँ से? हाँ बेटी, मेरे पास एक प्लान है। हम लोग के पास 100 करोड़ रुपए आ सकते हैं। 100 करोड़ का कौन सा प्लान है माइकल? हाँ बेटी, मैंने लॉस सैंटोस की सबसे महंगी गाड़ी को चोरी किया था और फिर उसको बेच के मैंने अपने घर को सेव किया। तुम्हें भी ठीक वैसा ही करना होगा। मगर माइकल, लॉस सैंटोस की सबसे महंगी गाड़ी हम लोग को मिलेगी कहाँ पर? चलो आमेटी, मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हम लोग तुम्हारी रोल्स रॉयस के अंदर चले। अरे आमेटी, रोल्स रॉयस के अंदर क्यों? मैं तुम्हें अपने हेलीकॉप्टर के अंदर लेकर जाऊंगा। ये वाला हेलीकॉप्टर सोने का है। नहीं नहीं माइकल, मुझे रोल्स रॉयस के अंदर जाना है। चलो ठीक है आमेटी, जैसा तुम बोलो। अभी हम लोग को सबसे पहले लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी को चोरी करना है और फिर उसके बाद हम लोग के पास पैसे आ जाएंगे, हम लोग अपने घर को अपग्रेड करेंगे। ये तो हो गया हम लोग का स्टेप वन। लेकिन आज हम लोग सिर्फ अपने घर को अपग्रेड नहीं करेंगे, आज हम लोग ज़ॉम्बी वायरस को खत्म भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने घर को अपग्रेड करना है क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ज़ॉम्बी सुपरमैन है। फटाफट से आ जाओ सिंचन और चॉप। अरे ना, मैं तो पीछे बैठूंगा। ठीक है बेटा सिंचन, तू पीछे बैठो। अरे मैं कहां पे बैठूंगा यार? चॉप, तू इस वाली गाड़ी के पीछे खड़ा हो जा। मगर एक सेकंड, ये ज़ॉम्बी यहां पे कैसे आ सकती है? अबे माइकल, मुझे ये बताओ, इतनी ज्यादा तुमने यहां पे आर्मी खड़ी की है, फिर ज़ॉम्बी कैसे अंदर आ गए? अरे आमेठी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये वाले ज़ॉम्बी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मगर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाले ज़ॉम्बी बस यहां पे घूम सकते हैं, मेरे घर के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। हां वो तो मैं देखा, तुमने यहां पे सीसीटीवी कैमरा को भी लगा रखा है। आमेठी, मेरी इस वाली गाड़ी को संभल के चलाना, ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है। हां माइकल, मुझे पता है तुम्हारी गाड़ियां कुछ ज्यादा ही महंगी है और ये वाली गाड़ी मुझे काफी ज्यादा ओपी भी लग रही है। इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी? अरे आमेठी, ये वाली लग्जरी गाड़ियां ज्यादा तेज भागती नहीं है, लेकिन आमेठी इन वाली गाड़ियों का कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है। अरे मैं क्या करूं, ज़ॉम्बी मेरे ऊपर फेंक दी थी आपने यार। कोई बात नहीं चॉप, तू बच गया ना। अरे मैं बच गया, मगर ये वाली गाड़ी मुझे बहुत ओपी लगी। हमें गोल गोल घूमते हैं हम लोग शहर में यार। अभी हम लोगों ने घूमना नहीं है चॉप, इस तरह की गाड़ियां हम लोग के पास ढेर सारी आ जाएंगी। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने घर को प्रोटेक्ट करना है और घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को लॉस सैंटोस की सबसे महंगी गाड़ी को चोरी करना है। मगर माइकल, वो वाली गाड़ी है कहाँ पर? आमेठी, ये वाली रोड सीधी लेके चलो। अच्छा ठीक है, मैं ये वाली रोड सीधी लेके जा रहा हूँ। लेकिन माइकल, तुम मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने जाना कहाँ पर है? आमेठी, वो जो तुम ऊपर घर देख रहे हो ना, हम लोगों ने ठीक वहाँ पर जाना है। मगर ये किसका घर है? आमेठी, ये लंबी कहानी है, तुम बस गाड़ी को लेकर चलो वहाँ पर, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मगर माइकल, तुम्हारे पास कोई गनशन है क्या? आमेठी, मेरे पास बहुत ज्यादा गन है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। लेकिन आमेठी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ऐसे कैसे मेरे साथ नहीं चलोगे? मैंने तुम्हारा इतना ज्यादा साथ दिया है और तुम मेरा गाड़ी को चुराने में साथ नहीं दोगे क्या? अरे नहीं नहीं आमेठी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम मुझे मरवाओगे क्या? अच्छा ठीक है, वो तो हम लोग बाद में देखते हैं, मगर मैं सही जा रहा हूँ ना? आमेठी, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, यहाँ से सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि माइकल तुम मुझे मरवा दो। अरे नहीं नहीं आमेठी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाओ, हम लोग को उस वाली बिल्डिंग के अंदर जाना है। वहाँ पे लॉस सैंटोस की सबसे महंगी गाड़ी है क्या? हाँ आमेठी, तुमने सही बोला है, वहाँ पे लॉस सैंटोस की सबसे महंगी गाड़ी है। अगर तुमने उस वाली गाड़ी को चुरा लिया तो उस वाली गाड़ी को बेच के तुम्हें 100 करोड़ रुपए मिलेंगे और फिर तुम अपने घर को भी अपग्रेड कर सकते हो। हाँ मैंने अपने घर को तो अपग्रेड करना है, साथ में ज़ॉम्बी वायरस को भी खत्म करना है। मगर आमेठी, ज़ॉम्बी वायरस को तुम कैसे खत्म करोगे? ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करने के लिए मेरे पास प्लान है, मगर यहाँ पे तो ढेर सारी काली गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आमेठी, ये सारे की सारी माफिया की गाड़ी है। कौन से माफिया की गाड़ी है माइकल, तुम मुझे कहाँ पे लेकर आ गए हो? आमेठी फिक्र मत करो, 100 करोड़ की गाड़ी चुराना इतना आसान नहीं है। मगर ये लाल वाली गाड़ी भी बहुत ज्यादा ओपी है। आमेठी, ये वाली गाड़ी सिर्फ 5 करोड़ की है, हम लोग को 100 करोड़ की गाड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, मगर 100 करोड़ की गाड़ी है कहाँ पर? आमेठी, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से लेफ्ट होता हूँ। बस रुक जाओ आमेठी, अपनी गाड़ी को पीछे लो। माइकल, सामने तो बहुत ज्यादा आर्मी खड़ी हुई है। आमेठी, सारी की सारी आर्मी को मारेंगे हम लोग। इतनी ज्यादा आर्मी को हम लोग कैसे मारेंगे? आमेठी, गाड़ी को चुराने के लिए हम लोग को इनको मारना होगा। अच्छा वो तो ठीक है, मगर तुम एक काम करोगे, तुम ज़ॉम्बीज़ को मारो, मैं जरा गाड़ी को देख लूँ। फटाफट से स्नाइपर को निकालता हूँ। अरे यार गाइस, ये लोग तो पुलिस वालों को मार रहे हैं। पता नहीं यार गाइस, यहाँ पे क्या ही हो रहा है, वो बीच में सोने की गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ बेटी, यही है वो गाड़ी। मगर ये लोग किसको मार रहे हैं? हाँ बेटी, ये लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं। अबे माइकल, ये मैं क्या देखो, पीछे हो जाए, हेलीकॉप्टर फटने वाला है। सिंचन जल्दी से साइड पर आ जा। अरे हाँ, मैं इन लोगों ने तो हेलीकॉप्टर को फोड़ दिया। यही बात तो मैं सोचो सिंचन, ये लोग तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। मगर पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है माइकल? हाँ बेटी, मुझे तो लगता है कि पुलिस ने इन लोगों के किसी बंदे को उठा लिया होगा और तभी इन लोगों ने पुलिस वालों को मार दिया। मगर माइकल, ये तो अभी हम लोग को मार रहे हैं। आमेठी रेडी हो जाओ। क्या आ गया, जीपी मर गया, हेलीकॉप्टर भी फूट गया यहाँ पर। आमेठी ध्यान रहे, तुम्हें सारी की सारी आर्मी को मारना होगा, उसके बाद ही गाड़ी हम लोग को मिलेगी। माइकल तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस सारी की सारी आर्मी को मैं एक सेकंड से पहले पहले मारने वाला हूँ। अरे यार हमने कहीं ऐसा ना हो कि आप ही मर जाओ। नहीं नहीं सिंचन, मुझे कुछ भी नहीं होगा। माइकल तुम भी कोई गन वगैरह उठा लो। आमेठी मुझे लगा था कि तुम सबको खुद ही मार दोगे। अच्छा ठीक है माइकल और सिंचन, तुम लोग एक काम करोगे, गाड़ी के पास खड़े हो, मैं जाके सारी की सारी आर्मी को मारता हूँ। अरे मैं मारे जाओगे यार? नहीं नहीं चौक, मुझे अकेले करना होगा। सिंचन और माइकल तुम लोग यहीं पे रुको। अरे यार हमने, मगर ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ भाई, ये आपको मार देंगे। ऐसे कैसे मार देंगे सिंचन, मेरे पास आज बहुत ही ज्यादा ओपी गन है। ज़ॉम्बी सीरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग को ये सब कुछ करना होगा। सबसे पहले हम लोग इस वाली महंगी गाड़ी को चोरी करेंगे और फिर उसके बाद अपने घर को अपग्रेड करेंगे। है तो यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक। मैं थोड़ा सा जूम इन करके देखता हूँ, यहाँ पे एक बड़ी सी लिमोज़ीन भी खड़ी हुई है, बीच में यहाँ पर एक और लंबी गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर गन भी लगी हुई है, यहाँ पर एक जीप खड़ी है और ये भी जीप है, ये भी जीप है। मगर 100 करोड़ की गाड़ी कहाँ पर है यार गाइस? ये रही, 100 करोड़ की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और ये सारी की सारी सोने की गाड़ी है। मुझे इस वाली गाड़ी को चुराना है, काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला। मगर यार गाइस, मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर दो। इन सबको पता चल गया कि यार गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ।
अभी मुझे यहाँ पे एक्टिव होना होगा। मगर अगर ये लोग तो बहुत ज्यादा है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा है। एक काम करता हूँ कि फटाफट से ऊपर भागता हूँ। अबे भाग, इन लोग को मुझे प्लानिंग से मारना होगा। ऐसे आगे मैं इन लोग को नहीं मार पाऊंगा। सबसे पहले मैं इन लोग को ऊपर भगाऊंगा, उसके बाद इन लोग को नीचे भगाऊंगा, और फिर उसके बाद इन लोग को मैं भगा भगा के मारने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो आगे अभी मैं यहाँ पे ऊपर सेफ हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहूंगा। नीचे सबको पता चल गया कि आगे मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ, और साथ में इन लोग को ये भी पता चल गया कि आगे मैं इन लोग की गाड़ी को चुराने आया हूँ। ये सारा का सारा माफिया का गैंग है। एक तो मर गया, मगर आगे नीचे काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुझे लगा था कि ये लोग कम होंगे, मगर नहीं आगे ये लोग बहुत ज्यादा है। मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा। इन लोग की गन्स की रेंज ज्यादा नहीं है, मगर आगे मेरी स्नाइपर की रेंज काफी ज्यादा है। अभी मुझे यहाँ पे खड़े होकर एक एक को मारना होगा। मगर आगे ये लोग तो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, सबको हेडशॉट मारूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। मैं आज किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी यहाँ पे इसके मरने की बारी, ये भी गया। फाइनली आगे ये भी मर गया। अभी फटाफट से मुझे यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ से आगे मैं जाऊंगा यहाँ पर, अपनी गन को मैं चेंज करूंगा, और ये वाली गन आगे ठीक है, ये वाली गन यहाँ पे ठीक रहेगी। एक और मर गया, पीछे एक और आ रहा है, मुझे जल्दी से इसको भी मारना होगा, ये भी गया। मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर अपने घर को बचाने के लिए आगे मुझे इन लोग को तो मारना होगा। लगता है कि ये सब के सब खत्म हो गए, मगर एक सेकंड, अबे नहीं आगे ये लोग तो ऊपर आ गए, ये सब के सब तो यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। फटाफट से मुझे इन लोग को मारना होगा। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकले, मगर मुझे पीछे से अभी तक गोलियां लग रही है। पता नहीं मेरे पीछे कौन है। काम करता हूँ कि यहाँ पे रुकता हूँ, और अभी देखता हूँ कि मेरे पीछे आखिर है कौन। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरे पीछे एक नहीं, मेरे पीछे दो दो लोग हैं। पहले मैं इसको मारता हूँ, मगर आगे अभी तक मरा नहीं है, मर गया। और अभी मुझे यहाँ पे इसको मारना होगा, ये भी ऊपर आ चुका है। आर्मी बहुत ज्यादा है इन लोग की, मगर आगे मैं इन लोग को मार लूंगा, मुझे इन लोग को मारना होगा। एक ये रहा, फटाफट से इसको मारता हूँ, और एक यहाँ पे ऊपर आ चुका है। आई होप के मर गया होगा, मर गया होगा, मगर नहीं, अभी तक जिंदा है, लेकिन अभी मर गया। फाइनली ये भी मर चुका है। अभी मुझे कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है कि सबके सब मर गए। इन लोग की गाड़ियां तो यार गाइस काफी ज्यादा ओपी हैं। मुझे तो ये वाली गाड़ी भी बहुत ओपी लग रही है, मगर अभी तक ये लोग मरे नहीं है। मुझे गोलियां लग रही है, मगर गोलियां लग कहां से रही है। ये रहा, एक दो, लगता है कि यार गाइस सिर्फ ये दो बचे हैं। हाँ वैसे गाइस मुझे लगता है कि सिर्फ ये दो बचे हैं, और इन दो को मैं तो सोचूंगा यार गाइस रॉकेट लॉन्चर से मार दूं। अभी मेरे पास यही प्लान है, फटाफट से यहाँ पे जाऊंगा, और जैसे ये गाड़ी के पास आएगा ना, इस वाली गाड़ी को मैं रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने वाला हूँ। मर गया गाइस, सबके सब मर गए, सिर्फ ये बचा है, इसको भी रॉकेट लॉन्चर से मारूंगा। और अभी यहाँ पर एक और है, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पर था, यहाँ पर था, मगर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। और यार गाइस ये भी गया, अभी तो कोई भी नहीं बचा होगा, सबके सब यहाँ पे मर चुके हैं। मैंने इन लोग की तीन गाड़ियों को भी फोड़ दिया है, और हाँ यार गाइस सबके सब मर गए। अभी यहाँ पे इन लोग के पास एक ये वाली बाइक है, पहले मुझे इसको फोड़ना होगा। मगर नहीं यार गाइस, मुझे अभी तक गोलियां लग रही है, ये लोग कितने ज्यादा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे ये लोग। अभी मैं इन लोग को सामने जाके मारूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, इनको मैं चुन चुन के मारूंगा। यार गाइस ये भी मर गया, देखता हूँ कि और कौन है। नहीं यार गाइस और कोई भी नहीं है, लगता है कि सबके सब मर गए। अभी सबके सब मर चुके हैं। ये वाली गाड़ी है गाइस, आप लोग जो देख रहे हो ना, ये बॉम्ब प्रूफ है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाड़ी है ये, इसको बॉम्ब और गोलियां कुछ भी नहीं कर सकती है। साथ में इन लोग के पास एक ये वाली भी गाड़ी है, एक ये वाली भी गाड़ी है, ये भी काफी ज्यादा ओपी है। मगर हम लोग को चाहिए ये वाली सोने की गाड़ी, जो कि 100 करोड़ की है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि गाइस ये लोग मेरे पीछे आएंगे, तो इसलिए मैं इन लोग की सारी के सारी गाड़ियों के ऊपर यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब को लगा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा ना, इन सारी की सारी गाड़ियों को मैं फोड़ दूंगा। इस वाली ओपी गाड़ी को मुझे फोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा है, मगर गाइस हम लोग को करना होगा। ये वैसे भी सारे की सारी माफिया की गाड़ी है, और ये क्या कर रहा है, इसको भी मार दूं क्या? बल्कि नहीं गाइस, ये तो आग बुझाने आता है, इसको मारने की जरूरत नहीं है हम लोग को। और इन वाली गाड़ियों को भी मुझे फोड़ना है, इससे हम लोग का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और हम लोग फटाफट से जाके सिमियन को अपनी गाड़ी बेच देंगे। और लास्ट गाड़ी ये, इसके ऊपर भी मैंने स्टिकी बॉम्ब को लगा दिया है। माइकल और सिंचन यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये तो अच्छा है कि गाइस ये लोग अभी तक सेफ है। अभी बस मुझे इस वाली गाड़ी को चुराना है। शीशा मैंने तोड़ दिया, मगर कोई बात नहीं, गाड़ी तो यार गाइस मानना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा ओपी है। मेरा दिल नहीं कर रहा इसको बेचने का, मगर यार गाइस ये वाली गाड़ी हम लोग को बेचनी होगी। इसकी आप लोग बैक साइड चेक करो, काफी ज्यादा ओपी है। मगर यार गाइस गाड़ी को निकालने का यहाँ से रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ से अपनी गाड़ी को घुसाता हूँ। थोड़ी सी हम लोग की गाड़ी डैमेज होगी, मगर यार गाइस हम लोगों ने यहाँ से निकलना है, हम लोगों ने फटाफट से यहाँ से निकलना है। अरे हामिड़ी तुमने गाड़ी चुरा ली क्या? हाँ माइकल मैंने गाड़ी चुरा ली है, मगर सिंचन कहाँ पर है? हामिड़ी सिंचन तुम्हारे पीछे पीछे आया था। माइकल ये तुम क्या बोल रहे हो? हामिड़ी मैं सिंचन को बहुत रोका, मगर सिंचन तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था। अच्छा ठीक है, मैं सिंचन को ढूंढता हूँ। माइकल तुम अपनी ये वाली गाड़ी लेके घर जाओ। हामिड़ी तुम्हें पता है ये वाली गाड़ी तुम्हें सिमियन को बेचनी है, ये वाली गाड़ी 100 करोड़ की है। ठीक है माइकल, मैं फटाफट से जाके इस वाली गाड़ी को बेचता हूँ, और फिर जाके अपने घर को अपग्रेड करता हूँ। ठीक है हामिड़ी मैं चलता हूँ। चौपचार ये बता के सिंचन कहाँ पर है? अरे भाई सिंचन आपके पीछे आया था यार। चौपचार मैंने सारी की सारी गाड़ियों के ऊपर स्टिकी बॉम्ब को लगा दिया। अरे भाई ये आपने क्या किया यार, रास्ता भी बंद है। चौप सिंचन पता नहीं कहाँ पर है। सिंचन को किसने बोला था कि मेरे पीछे पीछे आए? अरे भाई सिंचन आपसे बहुत प्यार करता ना यार। आ गया सिंचन आ गया। अरे आहा मैं ये वाली गाड़ी तो बहुत ज्यादा ओपी है। अबे सिंचन गाड़ी को छोड़, मगर तू वहाँ पे क्या कर रहा था? अरे आहा मैं तो आपकी जान बचाने के लिए आया था। तुझे शायद पता नहीं कि सिंचन मैंने स्टिकी बॉम्ब को लगा दिया वहाँ पर। अभी मुझे सारी की सारी गाड़ियों को फोड़ना होगा। अरे भाई सारी की सारी गाड़ियां
फूट जाएंगी क्या? हाँ यार चौप, सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे फूटने वाली है। तो गाइस आप लोग देख रहे हो कि सारे के सारे धमाके यहाँ पर हो चुके हैं। अभी माफिया के पास कोई भी गाड़ी नहीं बची है। मुझे जल्दी से अपनी इस वाली गाड़ी को लेकर सिमियन के पास जाना होगा। अरे मगर गाड़ी तो बहुत खतरनाक है यार। हाँ यार चौप सोने की गाड़ी है, दिखने में मुझे भी काफी ज्यादा ओपी लग रही है। अब पता नहीं सिमियन के पास 100 करोड़ होंगे भी या फिर नहीं। अरे वह होंगे, सिमियन के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं यार। हाँ वैसे पैसे तो उसके पास काफी ज्यादा होते हैं। तो फटाफट से हम लोग उसके शोरूम जाके देखते हैं। ये रहेगा सिमियन का शोरूम, तो यहाँ पर आ चुका है मगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। सिमियन पता नहीं कहाँ पर होगा। अरे मैं सिमियन छत पर होगा यार। हाँ मुझे भी ये लगता है, छत पे जाने के लिए हम लोग को बैक साइड जाना होगा। अरे यार हमें जब हम लोग को 100 करोड़ मिल जाएंगे फिर हम लोग अपने घर को कैसे अपग्रेड करेंगे? सिंचन बहुत ही ज्यादा ओपी अपग्रेड करेंगे। अरे आमिटी तुम आगे, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। अबे सिमियन ऊपर क्या कर रहे हो? आमिटी नीचे ज़ॉम्बीज है, ज़ॉम्बीज को मार दो। हाँ ज़ॉम्बीज को तो मैं मार रहा हूँ मगर तुम ऊपर क्या कर रहे हो? आमिटी नीचे इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज है इसलिए मैं ऊपर चढ़ गया, तुम बताओ कैसे आना हुआ? सिमियन मेरे पास जो ये वाली गाड़ी है कितने की बिकेगी? आमिटी ये वाली गाड़ी 200 करोड़ की बिकेगी। क्या बोल रहे हो, 200 करोड़ की बिकेगी? हाँ आमिटी ये वाली गाड़ी 200 करोड़ की है लेकिन अभी मेरे पास वाली गाड़ी को खरीदने के पैसे नहीं है। मगर सिमियन मैंने ये वाली गाड़ी आज ही बेचनी है। हाँ मिट्टी अगर तुमने ये वाली गाड़ी आज बेचनी है तो फिर मैं तुम्हें इसके 100 करोड़ पे दूंगा। हाँ ठीक है तो मुझे 100 करोड़ दे दो। अरे मैं घाटे का सौदा कर रहा हूँ, 200 की गाड़ी 100 करोड़ पे क्यों बेच रही हो यार? चौप यार अभी हम लोग को अपने घर को अपग्रेड करना है। ठीक है आमिटी गाड़ी को यहीं पे खड़े कर दो। अच्छा ठीक है मैं गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ, मेरे पैसे कहाँ पर है? आमिटी दूसरी साइड पे मेरी गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर 100 करोड़ पे पड़े हुए, तुम वो वाली गाड़ी और वो वाले पैसे ले जाओ। अच्छा ठीक है तुम इस वाली गाड़ी का ख्याल रखना, ये सोने की गाड़ी है। ठीक है आमिटी मगर अभी मुझे नीचे आने में बहुत डर लग रहा है, मैं अपने नौकर को फोन करके इस वाली गाड़ी को यहाँ से हटवा लूंगा, तुम लोग चले जाओ। अच्छा ठीक है हम लोग जा रहे हैं मगर तुम्हें कोई गन वगैरह चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं आमिटी मुझे गन चलाने नहीं आती। चलो ठीक है सिमियन बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि तुम बच जाओगे। मगर आमिटी मुझे लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। अबे मेरे दोस्त सिमियन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आज ज़ॉम्बी वायरस हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आमिटी वो कैसे? वो तुम्हें थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा, हम लोग के पास सारे के सारे पैसे आ चुके हैं। अरे मैं पैसों के ऊपर खड़ा हुआ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार। हाँ वैसे आज चौप 100 करोड़ के ऊपर खड़े होकर मजा तो काफी ज्यादा आता है मगर अभी हम लोगों ने अपने घर को अपग्रेड करना है और हम लोग के घर को सिर्फ और सिर्फ एक बंदा अपग्रेड कर सकता है। अरे मैं वो कौन सा बंदा है? सिंचन वो बंदा माइकल के पास है। अरे मैं हम लोग का घर भी माइकल अंकल जैसा ओपी हो जाएगा। हाँ सिंचन मैं फटाफट से माइकल को कॉल करता हूँ। माइकल जिस बंदे ने तुम्हारे घर को अपग्रेड किया तुम फटाफट से उसको मेरे घर के बाहर भेज दो। ठीक है आमिटी अभी भेजता हूँ। अभी फटाफट से हम लोग को अपने घर को अपग्रेड करना है गाइस, ये तो हम लोग का स्टेप 1 हो जाएगा लेकिन साथ में हम लोगों ने आज एंटीडोट को भी बनाना है। अरे मैं एंटीडोट कैसे बनेगा यार? चौप यार एंटीडोट को बनाने के लिए हम लोग को ज़ॉम्बी सुपरमैन को मारना है। अरे मैं कितने काम करेंगे हम लोग आज यार? चौप यार ये ज़ॉम्बी सीरीज का लास्ट एपिसोड है, आज हम लोग अपने घर को भी अपग्रेड करेंगे और उसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी सुपरमैन को भी मारेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल है ज़ॉम्बी सुपरमैन को मारना और इसीलिए हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ मगर माइकल का बंदा अभी तक आया नहीं है। अरे मैं अंदर होगा यार? हाँ मैं अंदर जाके देखता हूँ। आई होप कि हम लोग को अंदर माइकल का बंदा मिल जाएगा मगर गाइस माइकल का बंदा यहाँ पर है नहीं। अरे आमिटी ऊपर आ जाओ। हाँ भाई मैजिशियन तुम अभी तक ऊपर हो? हाँ आमिटी मैं ऊपर हूँ, जल्दी से ऊपर आ जाओ। अच्छा ठीक है मैं ऊपर आता हूँ। चौप तो इन वाले पैसों का ख्याल रख। अरे मैं अपनी जान दे दूंगा मगर ये वाला पैसा किसी को भी नहीं दूंगा यार। हाँ यार चौप ये वाले पैसे हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सेकंड है गाइस, कहीं ये माइकल का बंदा तो नहीं है? सर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था, बताएं क्या काम है? तुम मुझे ये बताओ कि माइकल के घर को तुमने अपग्रेड किया है? हाँ सर मैंने माइकल के घर को अपग्रेड किया है मगर ये कौन सा इंसान है, इसकी तो ना टांगे है ना हाथ है, इसको तुम छोड़ो, तुम मेरे घर को अपग्रेड करो, बताओ पैसे कितने लगेंगे? सर माइकल के घर को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ लगे थे, आपके घर को भी अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ चाहिए होंगे। फटाफट से मेरे साथ आओ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, सारे के सारे पैसे मेरी गाड़ी के अंदर पड़े हुए। ठीक है सर आपका घर मैं जल्दी अपग्रेड करता हूँ। अभी जब तक मेरा घर अपग्रेड होता है मैं फटाफट यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को पीट देता हूँ। पैसे तो आ गए, वो बंदा बहुत ज्यादा ले रहा है, 100 करोड़ ले रहे हम लोग के घर को अपग्रेड करने के लिए जो कि काफी ज्यादा है। मगर गाइस हम लोगों ने अपने घर को तो अपग्रेड करना है और आप लोग ये वाले ज़ॉम्बीज़ देखो यार गाइस कितने ज्यादा खतरनाक हैं, सबके सब नॉर्मल इंसान है मगर अभी ये लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। मैं आप लोग को इनकी शक्ल दिखाता हूँ, अभी ये आप लोग देख रहे हो गाइस ये नॉर्मल इंसान था बेचारा मगर अभी ये ज़ॉम्बी बन चुका है और इन लोग के पास वेपन्स भी हैं। हम लोग के घर को अपग्रेड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो गाइस मैं आप लोग से मिलता हूं अपने घर को अपग्रेड करने के बाद। ऑलमोस्ट यहां पे 2 दिन गुजर गए हैं, आई होप कि हम लोग का घर अब तक अपग्रेड हो गया होगा। दिखने में तो यार गाइस काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, लगता है कि हम लोग का घर अपग्रेड हो गया, जल्दी से मुझे अंदर जाना होगा। सिंचन और चौप भी अभी तक अंदर ही होंगे। घर तो यार गाइस मुझे दिखने में बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। और एक सेकंड है गाइस, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस वाले बंदे ने तो मेरे घर का रास्ता भी ब्लॉक करके रख दिया है और साथ में ये वाली गाड़ी भी हम लोग को मिल गई है। गाड़ी तो यार गाइस ये अच्छी है मगर मेरे पास इससे भी ज्यादा ओपी गाड़ी है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देख रहे हो गाइस यहाँ पे मिलिट्री भी आ चुकी है और ये वाली मिलिट्री गाइस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। आप लोग देख रहे हो गाइस ये गंजा कितना ज्यादा भयानक लग रहा है, आर्मी तो काफी ज्यादा ओपी है और यहाँ पे इन लोगों ने रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है। और रास्ता ब्लॉक करने का बहाना इन लोगों ने ये बनाया गया है, यहाँ पे जहाज आके क्रैश हुआ और फिर यहाँ पे रास्ता बंद हो गया। मेरी टीम की प्लानिंग काफी ज्यादा ओपी है और यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी है और ढेर सारे सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं। हम लोग का घर तो माइकल के घर से भी ज्यादा ओपी हो चुका है। मैं फटाफट से आप लोग को अपना घर अंदर से दिखाता हूँ। ये सारी की सारी गाइस हम लोग की आर्मी है। और एक सेकंड गाइस यहाँ पर तो एक टैंक भी खड़ा हुआ है, मैं इसको चला सकता हूँ क्या? अबे हाँ गाइस मैं इसको चला सकता हूँ, टैंक तो मानना पड़ेगा।
गाइस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन इसको मैं बाद में टेस्ट करूंगा। अभी मैं आप लोग को अपना घर अंदर से दिखाता हूँ। ये हम लोग के घर का गैराज है और यहाँ पे ये सारा सिक्योरिटी का सिस्टम पड़ा हुआ है और हम लोग की आर्मी का खाने पीने का सामान है। अभी मैं आप लोग को अंदर लेके चलता हूँ। ये हम लोग के घर की पहली एंट्रेंस है जहाँ पे आप लोग देख रहे हो गाइस, यहाँ पे ये सुपरवाइजर है जो कि सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड रखता है। और एक सेकंड भाई, माइकल भी यहाँ पर आ चुका है। अरे आमिटी कैसे हो, वापस आ गए क्या? हाँ माइकल मैं वापस आ गया और घर तो बहुत ज्यादा ओपी अपग्रेड कर दिया। और ट्रेवर यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे आमिटी मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? हाँ ठीक है ट्रेवर, तुम भी यहीं पे रुक सकते हो। हम लोग के सारे दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। और गाइस आप लोग देख रहे हो कि इस वाली खिड़की को सेव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टील के रॉड्स को लगा दिया है। अभी मैं आप लोग को नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग की गली के सारे लोग आ चुके हैं क्योंकि इन लोग का घर यहाँ पे सेफ नहीं है। और ये लोग भी आ गए यहाँ पे पार्टी वार्टी कर रहे हैं। खैर करने तो ये सब पे सब हम लोग की गली के लोग हैं। अभी मैं आप लोग को ये वाली जगह दिखाता हूँ। तो आप लोग देख रहे हो गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपी वेपन्स और ओपी एम्यूनिशन पड़ा हुआ है और ये वाला बंदा यहाँ पे बॉम्ब्स को प्रिपेयर कर रहा है। मैं फटाफट से आप लोग को अंदर लेके चलता हूँ। तो गाइस ये सारे के सारे हम लोग के कमांडोज हैं, काफी ज्यादा खतरनाक है ये लोग भी। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का सामान है और यहाँ पे पानी वगैरह पड़ा हुआ है। घर तो हम लोग का बहुत ज्यादा ओपी हो चुका है, बाहर भी यहाँ पे काफी ज्यादा आर्मी है। लेकिन मैं आप लोग को एक मजे की चीज दिखाता हूँ। ये हम लोग के घर की एंट्रेंस है जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो गाइस ढेर सारी गन्स पड़ी हुई है, लेकिन अभी ज़ॉम्बी वायरस यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है तो गाइस यहाँ पे लाइट्स नहीं है तो आप लोग को सही से दिखाई नहीं देगा। मैं फटाफट से मैजिशियन के पास जाता हूँ। हम लोग का मैजिशियन ऊपर ही होगा और ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। यहाँ पर भी गाइस काफी ज्यादा आर्मी है और माइकल अपने बेटे जिमी को भी यहाँ पर लेकर आ गया। ये मुझे ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, माइकल का बेटा है तो यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी आर्मी हम लोग की और खड़ी हुई है और यहाँ पे थोड़े से बेड वगैरह पड़े हुए हैं, मगर गाइस मुझे अपने घर की छत पे भी जाना होगा। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर की छत के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग इसको देखो, ये टेलीस्कोप से ज़ॉम्बीज को देख रहा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। हम लोग का मैजिशियन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये वाला बंदा यहाँ पे पता नहीं कौन सी चीज बनाने के चक्कर में। हम लोग यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं, इससे हम लोग को ज़ॉम्बीज सही से दिखाई देंगे। आप लोग देख रहे हो गाइस मैं यहाँ पे टॉप पर आ चुका हूँ। यहाँ पे ये वाला बंदा भी हम लोग के घर की सिक्योरिटी की नजर रख रहा है और साथ में मेरे पास यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी है जिसके ऊपर ढेर सारे वेपन्स हैं। बाकी की आर्मी गाइस मेरी यहाँ पे खड़ी हुई है। हम लोग का घर तो गाइस यहाँ पे 100% सेफ हो गया है, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा गोलियां कौन मार रहा है? अबे यार गाइस ये तो ज़ॉम्बी सुपरमैन है, भागना होगा मुझे यहाँ से। ये पता नहीं कैसे यार गाइस यहाँ पर आ चुका है एकदम से। यार गाइस यहाँ पे मौसम भी चेंज हो चुका है, मुझे फटाफट से भागना है। बल्कि भागना नहीं है, मुझे ज़ॉम्बी सुपरमैन को आज खत्म करना है। मगर यार गाइस ये है कहाँ पर, मुझे इसको ढूंढना होगा। लगता है कि ये रहा गाइस यहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी मुझे अपने आप को बचा के यहाँ पे खड़ा होना होगा। इस ज़ॉम्बी सुपरमैन को मारने के लिए गाइस मुझे गन भी ओपी चाहिए होगी। ये वाला ग्रेनेड लॉन्चर ठीक रहेगा। ये ऊपर खड़ा हुआ है, फटाफट से मैं ऊपर ग्रेनेड को फेंकता हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर भी फट गया मगर गाइस ये अभी तक जिंदा है। मैजिशियन कहाँ पर है? मुझे मैजिशियन को ढूंढना होगा, मगर यहाँ कहीं पे मुझे कोई भी मैजिशियन दिखाई नहीं दे रहा है। शॉटगन ठीक रहेगी, ज़ॉम्बी सुपरमैन को मारने के लिए शॉटगन बिल्कुल ठीक रहेगी। कहाँ पर है यार गाइस? अभी तो यहीं पर था। लगता है कि भाग गया है, बिल्कुल गाइस मुझे लगता है कि भाग गया, बल्कि नहीं अभी तक जिंदा है। और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन लोग को इतने ज्यादा पैसे देके मैंने बुलाया, मगर गाइस ये लोग किसी काम के नहीं है। ज़ॉम्बी सुपरमैन यहाँ पे ऊपर खड़ा हुआ है, हेडशॉट मार दी मैंने इसको, गया। लगता है कि मर गया, नीचे तो गिर चुका, मगर गाइस ज्यादा देर बचेगा नहीं, दोबारा इसको गोली मारूंगा। ज़ॉम्बी सुपरमैन को मारने का यही वाला प्लान है, जैसे ही ऊपर उठेगा मैं दोबारा इसको नीचे गिरा दूंगा। अभी आप लोग देख रहे हो गाइस ये नीचे गिर चुका है और अभी दोबारा मुझे शॉटगन से इसको एक और गोली मार रही होगी। आप लोग देख रहे हो गाइस मैं यहाँ पे मर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी पावर्स मेरे पास मैजिशियन की है। और लगता है कि ज़ॉम्बी सुपरमैन मर गया, इससे पहले कि ये दोबारा यहाँ से गायब हो मुझे यहाँ पे मैजिशियन को बुलाना होगा। अभी तो गाइस ये जल भी गया है, दोबारा ये नहीं जिंदा होगा गाइस, अभी ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। ये सारा का सारा ज़ॉम्बी वायरस इसी ने फैला के रखा है, मगर मुझे देखना होगा कि मैजिशियन कहाँ पर है। अरे आमेटी मैं यहाँ पर हूँ, तुमने अच्छा मुकाबला किया, मगर तुम कहाँ पर थे? आमेटी मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे रहा था, तुम्हारी गन को और तुम्हारी लाइफ को मैंने पावर्स दी, तभी ये ज़ॉम्बी सुपरमैन मर गया, मगर तुमने तो इसको जला के राख कर दी है। हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा कहीं पे भी ना भागे। अभी तुम फटाफट से एंटीडोट बना सकते हो क्या? आमेटी मैं 2 मिनट में एंटीडोट बना के देता हूँ तुम्हें। ठीक है फटाफट से एंटीडोट बना के दो, आ जाएगा ज़ॉम्बी वायरस हमेशा हमेशा के लिए लॉस सैंटोस के अंदर से खत्म होने वाला है। साथ में मैं अपने इस वाले टैंक को टेस्ट भी करना चाहता हूँ। एक ज़ॉम्बी यार गाइस ये भाग रही है, मगर मेरी गोलियां फेंसेस के बाहर नहीं जा पा रही, लेकिन यहाँ से तो यार गाइस ये वाली ज़ॉम्बी मरेगी। गई यार गाइस ये वाली ज़ॉम्बी यहाँ पे मर चुकी है, मगर अभी तक जिंदा है यार गाइस, अभी मरी, काफी ज्यादा खतरनाक थी। मगर ये क्या एकदम से सुबह कैसे हो गई? मुझे तो यार गाइस कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा है। मैजिशियन के पास जाके देखता हूँ। हम लोग का मैजिशियन है तो काफी ज्यादा खतरनाक, उसने बोला था कि वो एंटीडोट की बारिश करेगा, मगर यार गाइस यहाँ पे तो कोई भी बारिश हुई नहीं और मैजिशियन भी अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ है। हाँ भाई मैजिशियन एंटीडोट बन गया क्या? हाँ बेटी एंटीडोट बन गया है, अभी बस यहाँ पे बारिश का वेट करो। मगर इस वाले ज़ॉम्बी सुपरमैन का क्या करना है? हाँ बेटी ये यहीं पे पड़ा रहेगा, इसको यहीं पे पड़ा रहने दो, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ठीक है मैजिशियन तुम फटाफट से बारिश करो, तब तक मैं अपने इस वाले टैंक को यूज करके देखता हूँ। है तो यार गाइस ये वाला टैंक काफी ज्यादा ओपी और इसके पास पावर्स भी ज्यादा है और ये पहाड़ों पे भी चढ़ जाता है, मगर यार गाइस ज़ॉम्बीज अभी तक खत्म नहीं हुई है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज है, अब पता नहीं यहाँ पे बारिश कब होगी। हम लोग का घर तो 100% सेफ है, लेकिन अभी जल्दी मैजिशियन यहाँ पे बारिश कर देगा। मेरी गाड़ी यहाँ पे फंस गई है और यार गाइस यहाँ पे बारिश भी हो गई, मगर ज़ॉम्बीज तो अभी तक है यहाँ पर। हम लोगों ने जितना करना था गाइस वो तो हम लोगों ने कर दिया, अभी बाकी का काम मैजिशियन करेगा। साथ में ये वाली गाड़ी भी यार गाइस बहुत ही ज्यादा ओपी है, मगर एक सेकंड यार गाइस यहाँ पे सुबह हो गई, ये मैजिशियन क्या कर रहा है?
कभी बारिश करता है कभी बारिश बंद होती है। मगर एक सेकंड जाएगा लोग यहाँ पे वापस आ गए, कहीं सचमुच में ज़ोंबी वायरस खत्म तो नहीं हो गया। मुझे तो लग रहा है कि ज़ोंबी वायरस सचमुच में खत्म हो चुका है। थोड़ा सा बाहर जाके देखता हूँ, हर चीज मुझे यहाँ पे नॉर्मल लग रही है। फाइनली गाइस यहाँ पे ज़ोंबी वायरस खत्म हो चुका है, हम लोगों ने लॉस सैंटोस को सेव कर लिया। अरे मैं लॉस सैंटोस तो पहले जैसा वापस से हो गया। अरे यार सिंचन देख लॉस सैंटोस कितना ज्यादा अच्छा है, पता नहीं ज़ोंबी वायरस कहाँ से आ गया था हम लोग के लॉस सैंटोस के अंदर। मगर गाइस हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और ज़ोंबी सुपरमैन को भी हम लोगों ने मार दिया। सारी की सारी मस्ती उसी की थी और अभी हम लोग का लॉस सैंटोस दोबारा से सेफ हो गया है। अगर आप लोग को ज़ोंबी सीरीज का ये लास्ट एपिसोड ओपी लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।